क्वेश्चन नंबर वन, एट साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स आ स्ट्रक्चर फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म फ्रॉम वेजिकल्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम गॉल्जी कम्प्लेक्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर टू, एन अल्फा हेलिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अल्फा हेलिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर थ्री, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज डीएनए से आरएनए का बनना, फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एंजाइम ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एन एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बाय डिफरेंट वेज। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच सेल टाइप यू विल प्रेफर टू टेक द न्यूक्लियस फॉर क्लोनिंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एन एम्ब्रियोनिक सेल इज बेस्ट फॉर टेकिंग न्यूक्लियस फॉर क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वेयर डू यू ट्रांसफर द न्यूक्लियस फॉर क्लोनिंग। सो न्यूक्लियस विल बी ट्रांसफर्ड इन टू ई न्यूक्लिएटेड एग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेवन, विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड इन साइड ऑफ अ न्यूरॉन एट रेस्ट इज मोर नेगेटिवली चार्ज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, -70 mV इज द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट आर सम कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम सेल्स। दे आर सेल्फ रिन्यूइंग, दे कैन डिफ्रेंशिएट इनटू अदर सेल्स। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेम सेल्स आर सेल्फ रिन्यूइंग एंड दे आर एबल टू डिफ्रेंशिएट इनटू अदर सेल्स। क्वेश्चन नंबर टेन, प्रायोन्स आर मेड ऑफ प्रोटीन ऑनली। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, द लार्वा ऑफ स्पंजेस इज कॉल्ड एज एम्फीब्लास्टुला लार्वा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, साइकन्स बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ पोरिफेरा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, साइकन्स बिलोंग्स टू क्लास कल्केरिया ऑफ फाइलम पोरिफेरा। क्वेश्चन नंबर 13, द क्लास ऑफ कोरल्स इज एंथोजोआ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एंथोजोआ कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल्स। क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रू नर्वस सिस्टम वॉज फर्स्ट डिवेलप्ड इन एनालिडा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, दीज आर फ्ली लिविंग प्लेटी हेलमेंथिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लास टर्बुलेरिया कंटेन फ्री लिविंग प्लेटी हेलमेंथिस। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल टू काज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्स डबल वाई इज रिस्पॉन्सिबल टू काज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 17, वाई आर देयर नो डुप्लीकेशन ऑफ द डी एन ए बिटवीन म्यूसिस वन एंड म्यूसिस टू इन ऑर्डर टू रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर टू हैप्लॉइड इन रिजल्टिंग डॉटर सेल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, वाई आर देयर मोर मेल्स विद कलर ब्लाइंडनेस देन फीमेल। बिकॉज इन फीमेल द रिसेसिव जीन इज यूजली मास्क्ड बाई अनदर एक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल। इन केस ऑफ मेल देयर इज ऑनली सिंगल एक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज वाई कलर ब्लाइंडनेस इज मोर इन केस ऑफ मेल एज कंपेयर टू फीमेल। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग म्योसिस द क्रोमेटिड बिकम्स डॉटर क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज टू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, द जीनेटिक डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीलियोट्रॉपी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज सिकल सेल एनीमिया हैज मल्टीपल फिनोटाइपिक डिसऑर्डर।
So correct answer is option A. Question number 21. Which of the following is correct for aneuploidies? So correct answer is option D. 2n plus 1 is 2 for aneuploidy. Question number 22. The X-ray diffraction studies was given by which scientist, which played a key role to the discovery of DNA structure? So correct answer is option B. X-ray diffraction studies was done by James Franklin. Question number 23. The triplet code of CAT in DNA is represented by which code in codon of messenger RNA and anticodon in transfer RNA? देखिए, अगर DNA के अंदर सबसे पहले साइटोसिन है तो आर मैसेंजर RNA के अंदर उसका कम्प्लीमेंट्री बेस जो है वो गुआनिन है. एडनिन की जगह वहाँ यूरेसिल होना चाहिए और थाइमिन की जगह वहाँ पे एडनिन होनी चाहिए. तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन डी, कि अगर कैट DNA के अंदर एक ट्रिपलेट कोड है, इसका जो कोडान बनेगा वो GUA बनेगा. अब GUA का जो कम्प्लीमेंट्री एंटीकोडान बनेगा वो क्या होगा? CAU. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 24. टर्नर सिंड्रोम इज द सिंड्रोम ड्यूरिंग विच सेल कंटेन 45 क्रोमोसोम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. इट इज एक्चुअली द कंडीशन ऑफ एक्सो इन विच वन क्रोमोसोम इज मिसिंग. क्वेश्चन नंबर 26. Insulin is secreted as proinsulin. So correct answer is option A. Question number 27. These are schizocelic phyla. So correct answer is option C. Annelida, Arthropoda and Mollusca have schizocelium, which is formed by the splitting of mesoderm. Question number 28. Petromyzon belongs to which group of fishes? So correct answer is option A. Petromyzon belongs to agnathans, which have no jaws or jawless fishes. Question number 29. Lateral line system is present in. So correct answer is option A. Lateral line system is present in fishes. Question number 30. Classification of arthropod is based on number and structure of which components? So correct answer is option B. The classification of arthropod is based on number of body segments as well as number of appendages. So correct answer is option B. आज तक के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.